हेलो एवरीवन, मैं हूँ रश्मि सिन्हा और आप देख रहे हैं मुझे अपने खुद के चैनल पर। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। इससे पहले मैंने ऑलरेडी एक वीडियो डाली थी जिसमें कि आप एडमिशन के लिए कैसे किसी बेस्ट स्कूल का चुनाव करेंगे, उस पर था वो पूरा इन्फॉर्मेशन। साथ ही स्कूल के एडमिशन की क्या प्रोसेस होती है और आपको किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए एडमिशन के वक्त, ये सारी बात मैंने डाली थी। स्पेशली जो प्री नर्सरी मॉन्ड सेक्शन के लिए, किंडरगार्टन के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं, वैसे पेरेंट्स के लिए। इसके बाद मैं आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगी कि अगर आप स्कूल का चुनाव कर चुके हैं, आपने एडमिशन के लिए फॉर्म भी फिलअप कर दी है, लेकिन अब आप इंटरव्यू को लेकर काफ़ी टेंस्ड हो गए हैं कि बच्चे को इंटरेक्शन सेशंस के लिए बुलाया जा रहा है स्कूल में, है ना, तो वहाँ पर आपको कैसे उन्हें प्रिपेयर करना है। तो आज का ये जो वीडियो है वो इसी बात पर है कि आप इंटरव्यू के लिए अगर अपने बच्चे को ले जा रहे हैं, स्पेशली जब बच्चों का इंटरव्यू होता है तो पेरेंट्स बहुत घबरा जाते हैं क्योंकि बच्चे इतने छोटे होते हैं कि वो जनरली खुद से इंटरेक्ट नहीं करते हैं, है ना। दिस इज़ वेरी कॉमन फॉर चाइल्ड। अब चाहे बच्चा किसी भी बोर्ड में एडमिशन ले रहा हो, ICSE हो, CBSE हो, स्टेट बोर्ड हो या कोई भी, तो आपको किसी लैंग्वेज को लेके बहुत कॉन्शियस नहीं होना चाहिए। तो पहले मैं डिस्कस करूँगी कि हम कौन सी चीज़ों पर ध्यान रखेंगे, फिर हम डिस्कस करेंगे कौन सी चीज़ हमें क्या तैयार होना है, और तीसरी बात होगी इंटरव्यू जो लाइव सेशंस कैसे होते हैं। मैं एक डालूंगी इस वीडियो के आखिरी में, आप देख सकते हैं कैसे बच्चे इंटरव्यू देते हैं या कैसे उनसे क्वेश्चंस पूछते हैं, किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो ये फुल वीडियो ज़रूर देखिएगा और अपनी ओपिनियन बिल्कुल मत भूलिएगा डालना कि अगर आप भी अपने बच्चे को लेकर इंटरव्यू दिलाने ले गए तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा और आपको किस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए, ताकि और भी पेरेंट्स को हेल्प मिल सके। और वीडियो अगर अच्छा लगे तो फॉरवर्ड ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए पहले ये डिस्कस करते हैं कि एक रात पहले, जबकि अब कल बच्चे को इंटरव्यू देने के लिए जाना है, तो आपको क्या नहीं करना चाहिए। कभी भी बच्चे को एक रात पहले इंग्लिश सीखने के लिए या किसी राइम को लर्न करने के लिए प्रेशराइज मत कीजिए, वो नहीं सीखेगा बल्कि आपकी अगले दिन का जो काम है वो खराब हो जाएगा। बच्चे को बिल्कुल ऐसे ड्रेस में ले जाइए जिससे कि उसे लाइट फील हो, कोई नई चीज़ मत पहनाइए वरना बच्चा कॉन्शियस हो जाएगा और वहाँ जाकर वो इंटरेक्ट नहीं कर पाएगा। एक सबसे बड़ी मुश्किल होती है बच्चे नए लोगों के साथ मिक्स नहीं होते हैं, तो इसका तो कोई एक रात पहले इलाज नहीं है, बट ये कर सकते हैं आप कि 2-3 महीने पहले से ही जो भी नए लोग आपके घर आते हैं उनके साथ बच्चों को इंटरेक्ट करने के लिए छोड़ दीजिए, खुद वहाँ मौजूद मत रहिए ताकि वो प्रोटेक्टिव ना फील करें और खुद से रिस्पॉन्ड और रिप्लाई करना सीख जाए। चलिए अब ये तो बात हो गई कि आपको इंटरव्यू के लिए अब चले गए, आप नेक्स्ट डे आप तैयार हो रहे हैं जाने के लिए। अब जब आप इंटरव्यू के लिए जाएंगे तो मैं आपको बता दूं कि कुछ खास तरह के क्वेश्चंस वो पूछते हैं स्कूल में, उनको बच्चों की बहुत लर्निंग से मतलब नहीं होता है, उनको मतलब होता है बच्चों की लैंग्वेज से, उनके मैनरिज्म से, उनकी कर्टसी से, उनके तरीके से कैसे वो रिप्लाई करते हैं, चिल्लाते हैं या स्लैंग यूज़ तो नहीं करते, ये सब वो बहुत देखते हैं। कुछ चीज़ें जो है वो देखते हैं जैसे कि इंग्लिश थोड़ी बहुत, थोड़ा मैथ देख लिया, थोड़ा EVS देख लिया, थोड़ा GK देख लिया, थोड़ा फैमिली बैकग्राउंड के बारे में क्वेश्चंस पूछेंगे, जिसका अभी मैं जो इंटरव्यू सेशन डालूंगी आप वहाँ देख पाएंगे किस तरह के क्वेश्चंस पुट अप होते हैं। तो क्या सिखाते हैं आप उन्हें, उन्हें आप पहले से ही A to Z तो नॉर्मली सब सिखा देते हैं, 1 से 10 या 1 से 50 तक की काउंटिंग भी सिखा देते हैं। इसके अलावा कुछ वीकडेज के नेम हो गए, हॉलीडेज के नेम हो गए, मंथ नेम्स, ये सब EVS के फॉर्म में सिखा दीजिए। GK नॉर्मल GK क्वेश्चन सिखा दीजिए, जैसे कलर्स कितने होते हैं, कौन सी बर्ड जो है वो पेट हो सकती है, पेट एनिमल्स के नाम सिखा दीजिए, ये सब सिखा दीजिए। साथ में जो कम्युनिटी हेल्पर्स होते हैं जैसे पुलिसमैन क्या करता है ना, या फिर टीचर्स क्या करते हैं, या फिर कौन नर्सेस क्या करती, ऐसे कुछ क्वेश्चंस भी उन्हें थोड़े बहुत बातचीत में सिखाते रहे पहले से ही, क्योंकि ये चीज एक दिन पहले आप सिखाएंगे तो वो बच्चा नहीं सीखेगा। और बच्चे को बिल्कुल मत बताएं कि वो इंटरव्यू सेशन के लिए जा रहा है, वरना वो कॉन्शियस हो जाए। कुछ पेरेंट्स लालच भी देते हैं बच्चों को, जैसे कि बेटा आज हम एक अच्छे स्कूल जा रहे हैं, वहां बहुत बड़ी अम्यूजमेंट पार्क होगी, आप खेलोगे, तो बच्चा पूरे टाइम सोचता रहता है कि वो पार्क कब जाएगा। प्लीज इस तरह के लालच मत दीजिए, क्योंकि इस तरह के लालच से बच्चे का ध्यान उस चीज पे रहेगा, ना कि इस इंटरेक्शन सेशन पर। आप उन्हें बिल्कुल कुछ मत बताएं, बस नॉर्मल ले जाए। और छोटी छोटी चीज़ों का ख्याल रखें, जैसे कोई राइम सिखा दी हिंदी या इंग्लिश में, और जैसे कोई चीज़ ले बच्चा तो वो थैंक यू बोले लेकर, ये नहीं कि उसने रैपर ड्रॉप कर दिया उधर ही, उसको डस्टबिन में ड्रॉप करना है ये उसको पता हो तो, है ना, ऐसे वो कैसे अंदर जाएगा, मी आई कम इन, ऐसे कुछ नॉर्मल सी कटसी जो है वो आप उसको पहले से ही प्रिपेयर करके रखें। और उसके लिए एक रात पहले ना तो आप प्रेशर में आए ना बच्चे पे प्रेशर डालें, ज़्यादा बेटर होगा। चलिए तो अब मैं ऐड करती हूँ वो इंटरव्यू सेशन जो कि लाइव है, और आप देख सकते हैं कैसे ये बच्चे आंसर्स दे रहे हैं। जब बच्चे कोई कुछ बातें भूल जाते हैं तो उसके लिए आपको डरने की जरूरत नहीं है, ये बिल्कुल नेचुरल है, वो भूल जाते हैं या कई बार वो उसका आंसर देने से मना कर देते हैं, तो इसे बिल्कुल लाइट ही लीजिए, इसको सिरदर्द मत बनाइए, ठीक है, क्योंकि स्कूल इन चीज़ों को ज़्यादा लर्निंग को ज़्यादा ध्यान नहीं देता, उनका फोकस आप
आपके बच्चे के बैकग्राउंड पर है, उनकी कटसी और मैनरिज्म पर है। तो चलिए देखते हैं। बेटा हाउ आर यू? व्हाट इज योर नेम? लाल लाल। हाउ ओल्ड आर यू? नहीं, हाउ ओल्ड आर यू? आपकी एज कितनी है? पता नहीं। पता नहीं है आपका? पता नहीं है कितने इयर्स के हो आप? 5 इयर्स के हो। ओके, यू आर ए बिग बॉय। जंप भी कर सकते हो आप? यू आर वेरी स्ट्रॉन्ग। ओके अयान, नाउ टेल मी अयान, डू यू नो ABCD? अयान ABCD आती है आपको? अच्छा सुनाओ फिर, टेल मी ABCD। वेरी गुड यार, डू यू नो एनी पोइम? आपको कोई पोइम आती है? अच्छा सुनाओ, एनी एनी पोइम, टेल मी। कौन सी पोइम? एनी पोइम जो आपकी फेवरेट है। जॉनी 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 आती है मुझे। अच्छा चलो, जॉनी जॉनी एस पापा इतनी सुंदर ना पापा, तने सुनाए ना पापा इतनी शुगर ना पापा। ओके, और कोई पोइम आती है आपको? टेल मी। दिखरे दिखरे डॉग, माउस एंड अ क्लॉक, क्लॉक है वन, माउस है टू, टॉक टिक टिक टॉक टिक। ओके यान, व्हाट इज द कलर ऑफ योर टी शर्ट? व्हाइट। ओके व्हाइट। व्हाइट एंड व्हाट इज योर फेवरेट कलर? व्हाइट और ऑरेंज। अच्छा, व्हाट इज योर फेवरेट कलर? व्हाइट। व्हाइट। अच्छा, डू यू हैव ए साइकिल? आपके पास साइकिल है? लेकिन वाटर टूटा हुआ है। अच्छा टूट गया, तो कैसे डैमेज हुआ? जब मुझे आ रहा था वो गिर गया नीचे। एंड व्हाट इज द कलर ऑफ योर साइकिल? ऐसे में फ्रंट साइकिल का कलर कौन सा है बेटा? पिंक। पिंक साइकिल है। ओके, एंड व्हाट इज द नेम ऑफ प्लैनेट? एंड व्हाट इज द नेम ऑफ योर प्लैनेट? अर्थ। एंड व्हाट इज द नेम ऑफ आवर कंट्री? जेंडर सिटी। नहीं बेटा, कंट्री, आई एम नॉट आस्किंग सिटी। हाउ आर यू? थैंक यू। व्हाट इज योर नेम? ओके, हाउ ओल्ड आर यू? 4 इयर्स ना। 4 इयर्स ओल्ड। एंड वेयर डू यू लिव? ओके बेटा, व्हाट इज योर फेवरेट कलर? पिंक। यू लाइक पिंक? एंड टुडे आप व्हाट आर यू वेयरिंग? जो शर्ट है उसका कौन सा कलर है? पिंक। ओह, तो पिंक इज योर फेवरेट। ओके, व्हाट इज योर फेवरेट टॉय? बॉल। बॉल। तो यू लाइक प्लेइंग और स्टडिंग? प्लेइंग। व्हिच गेम डू यू प्ले? फुटबॉल। तो यू किक किक द बॉल? वी किक बॉल विद आवर फीट। ओके फीट। ओके एंड हाउ मेनी लेग्स डू यू हैव? हाँ, हाउ मेनी? कितने? हाँ यस बेटा, 1 2। वेरी गुड। एंड हाउ मेनी फिंगर्स यू हैव? वेरी गुड। टेल मी नेम ऑफ वेजिटेबल्स विच यू ईट? ब्रोकली। वेरी गुड। कॉलीफ्लावर। वेरी गुड। बीन्स। वेरी गुड। पोटैटो। वेरी गुड। कलर्स नेम? ब्लू। ओके हाँ हाँ पिंक व्हाइट येलो ब्लैक। व्हाट इज द नेम ऑफ अवर कंट्री? Oh, how many colors do we have in our national flag? Orange, saffron. Okay, saffron. Green, huh? White. Very good. What is the name of the planet? Earth.
Now tell me, Anvi, what is the shape of moon? Crescent. Yes, moon is crescent. For apple. Okay, Yan. अब बताओ बेटा क्या है? Peacock. Very good. अच्छा, what is the name of our national bird? Peacock. Okay.